है डबल एस्प्रेसो हॉट कॉफी। अब आप देखिए ये है चायदान, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैंने एक चम्मच कॉफ़ी ली है और इसमें आप कॉफ़ी को ऊपर नीचे अगर स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने दो चम्मच चीनी डाली, एक चम्मच कॉफ़ी और दो चम्मच चीनी। अब इसमें मैं दो चम्मच पानी डालूंगी गर्म, ये गर्म पानी मैंने कटोरी में करके रख लिया है। अब हम इसको फेंटेंगे विस्कर से। इस टाइम देखिए इसका कलर डार्क है, आपको देख सकते हैं आप, और बिल्कुल पानी और चीनी का घोल है ये एक तरीके से। अब मैं इसको 40 से 50 सेकंड फेंटूंगी, उसके बाद ये देखिए 40 से 50 सेकंड फेंटने के बाद इसका कलर कितना लाइट हो गया है, यानी ये कॉफ़ी पूरी तरह से फिट चुकी है, अच्छी हो गई है। अब आप देखिए, अब उसी विस्कर्स का जो मैंने इसमें से निकाला था उसी से मैं गर्म दूध को फेंट लूँगी। हॉट कॉफ़ी बना रहे हैं इसलिए मैंने दूध को गर्म कर लिया है, और दूध को गैस पे रख के कभी नहीं फेंटना है, उसको उतार के हल्का सा 80 डिग्री टेम्परेचर हो तब आप उसको फेंटना शुरू करिए। जितना अच्छा 80 डिग्री टेम्परेचर पर फिटेगा वह उसके झाग बने रहेंगे ज़्यादा देर तक के लिए। आप चाहें तो जैसे अब मैंने इसको फेंट लिया है तो उसको इसके झाग निकाल के आप इसको दोबारा गर्म कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा गर्म कॉफ़ी पीनी है तो। ये देखिए मैंने इसके ये झाग जो हैं जो फेंटने से निकाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इसमें ये जो हमने इतनी क्रीमी और सॉफ्ट बनी हुई है ये कॉफ़ी, आप जब इसको पियेंगे तो आप 5 स्टार की कॉफ़ी भूल जाएंगे, जो डबल एस्प्रेसो 5 स्टार में मिलती है बिल्कुल सेम उसी के जैसा टेस्ट आएगा आपको। ये देखिए मैं लेयर बनाती जा रही हूँ इसकी, और आप देखिए अब मैं इसका दूध डाल दूंगी इसमें। आपको चाहिए अगर ज़्यादा गर्म चाहिए तो आप इसको दोबारा से दूध को गर्म होने के लिए रख सकते हैं। आप देखिए ये आधा जा रहा है कप के ऊपर, और अब हम इसमें जो हमारा बच गया है ना थोड़ा और एस्प्रेसो वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही क्रीमी और चॉकलेटी बनेगी। ये हम इसमें डालते जाएंगे। अब उसी चायदान में जो हमारे वाइट वाइट झाग और बच गए ना हमने बचा के रखे थे थोड़े से ऊपर से डालने के लिए, वो हमने इसमें और डाल दिए। वो देखिए दोनों डबल एस्प्रेसो की लेयर ढक दिए हैं हमने इससे वाइट वाले। एक तरीके से ये फिल्टर कॉफ़ी से भी बेस्ट बनेगी, जिसको कहते हैं ना कि मशीन के द्वारा बनाई गई कॉफ़ी। आप एक बार बनाएंगे तो उसको बार बार बनाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक बार चख लीजिए। ये है कोको पाउडर, मैंने एक पेपर में हार्ट बना के उसके ऊपर रख के इसके ऊपर कोको पाउडर डाल दिया। अगर कोको पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चों का बॉर्नविटा होता है आप उससे भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारी डबल एस्प्रेसो कॉफ़ी बन के है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल क्रीमी टेस्टी। और आपको कम मीठा ज़्यादा करना है या कॉफ़ी ज़्यादा करनी है या चीनी ज़्यादा करनी है वो आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से मैं इसको कलर को डार्क दिखाने के लिए इसको डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए अंदर से ये वाला कलर निकलेगा कॉफ़ी का। अब मैं आपको इसकी लेयर चेक कराऊंगी। देखिए अब आप नीचे लेयर देखिए, इसमें 4 लेयर हैं, नीचे डार्क, फिर उसके ऊपर लाइट, नीचे लाइट डार्क, ऐसे करके 3 से 4 लेयर हैं इसमें। अब ये देखिए ये फाइनल कॉफ़ी बनके हो गई है आपकी तैयार। अब मैं इसकी आपको क्रीमीनेस दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा नीचे से ऊपर, आप जब चम्मच को नीचे ऊपर करेंगे तब देखिए आपका कलर और क्रीमीनेस बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी कि ये कॉफ़ी कितनी टेस्टी बनी होगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, देखिएगा। अब हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी।
ये देखिए मैंने गार्निशिंग की है कपों को, इसमें हर्षी सिरप से डेकोरेट कर दिया है। ये मैं चारों तरफ से लगा दूंगी इन दोनों कपों में और उसको मैं फिर फ्रीजर में रख दूंगी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए दोनों कपों को मैंने गार्निश कर दिया, देख लीजिए चारों तरफ से। ये आपके ऊपर है ज़्यादा करना है या कम करना है, वो मैंने फ्रीजर में रख दिया। अब इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी ली है, आप मीठा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब मैं 2 कप बना रही हूँ और वो भी कोल्ड बना रही हूँ, तो मैं 1.5 स्पून कॉफ़ी डालूंगी, क्योंकि हम थोड़ी सी मैं लाइट बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बना रही हूँ। 1.5 स्पून कॉफ़ी डाली है मैंने इसमें। अब वही उसी तरीके से हम कोल्ड कॉफ़ी में भी गर्म पानी ही डालेंगे। ये देखिए मैं 2 से 3 चम्मच गर्म पानी डालूंगी, ये डाले मैंने 3 चम्मच गर्म पानी। अब देखिए मैं उसी तरीके से इसको फेंटूंगी। हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएं या हॉट कॉफ़ी बनाएं, हमें फेंटते टाइम गर्म ही पानी लेना है। अगर हम गर्म पानी लेते हैं तो कॉफ़ी अच्छी फिटती है। ये देखिए इसका कलर है ये। अब मैंने इसको 30 सेकंड फेंटने के बाद 1 चम्मच पानी और डाल दिया है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से इसमें पानी भी 1-2 चम्मच ज़्यादा ही पड़ेगा। ये देखिए फेंट रही हूँ मैं इसको, वही 40 से 50 सेकंड हम इसको फेंटेंगे लगभग लगभग, और जब तक इसका कलर बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए, हल्का सा हो जाएगा। देखिए कितना लाइट हो गया ये कलर, यानी हमारी कॉफ़ी फिट चुकी है। जब हमारी कॉफ़ी उसी पे टिकी रहे और ये लाइट कलर कर दे, इसका मतलब हमारी कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी बनके तैयार होने वाली है। अब ये फिट गई है, अब इसी से मैंने दूध को हल्का सा गुनगुना कर लिया। कोल्ड कॉफ़ी है लेकिन फिर भी हल्का सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा तेज़ हम दूध को करेंगे उसमें, उसी वजह से क्योंकि उसके जो झाग होते हैं ना वो उसी वजह से और अच्छे बनते हैं। अगर दूध थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा ना तो उसमें इतने अच्छे झाग बनेंगे और काफ़ी देर तक टिकते हैं वो। अब देखिए मैं इनको कपों में डाल रही हूँ, 2 कप कॉफ़ी बनाई है मैंने, तो 2 कपों में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए चम्मच से डालती जा रही हूँ मैं इसको। आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं इसको, जैसे नीचे एस्प्रेसो डाल दिया हमने, अब इसके ऊपर बर्फ़ डालेंगे हम, और उसके बाद जो आइसक्रीम के कप्स वगैरह आते हैं ना आप वो डाल दीजिए इसमें, या घर में बना के आइसक्रीम डाल दीजिए आप, अगर आपको आइसक्रीम वाली खानी है तो। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है तो बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाने से कोई मतलब नहीं निकलता है, और वैसे भी दूध हमारा रूम टेम्परेचर से थोड़ा ठीक है, तो हम जैसे ही उसमें दूध डालेंगे तो एकदम से कोल्ड होगा। और हमने चॉकलेट भी डाली है इसलिए वो और ज़्यादा टेस्टी यमी और क्रीमी लगेगी, क्योंकि क्रीम के साथ हल्का हल्का ठंडा और हल्का हल्का गर्म जब हम इसको मिक्स करके पियेंगे, मैं आपको आगे मिक्स करके दिखाऊंगी कि कितना अच्छा क्रीमीनेस इसमें अंदर से निकल के आएगा। ये देखिए अभी आपको वाइट वाइट लग रही होगी ये, क्योंकि हमने ऊपर से इसमें सिर्फ दूध डाला है, क्योंकि हमारा एस्प्रेसो तो नीचे बैठा हुआ है, इस वजह से आपको अभी कलर समझ में ही नहीं आएगा। जब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ये हमने जो लास्ट में हमारे झाग बच जाते हैं ना उसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप इसको अलग कप में भी निकाल के रख सकते हैं आप चाहें तो। ये देखिए आपका ये है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको गार्निश करेंगे, आप चाहें तो चोको चिप से करें, या मैंने चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है, कोई भी चॉकलेट डाल दिए ना, डार्क चॉकलेट कंपाउंड है या डेरी मिल्क है, आप किसी से भी गार्निश कर सकते हैं इसको, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ कोको पाउडर डाल दीजिए, या कॉफ़ी ही कॉफ़ी को ही हम चुटकी भर उसके ऊपर डाल दें तो वो उससे भी अच्छी लगती है। ये तो बच्चों के लिए बनी है तो आप कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ये लग गया हमारा स्ट्रॉ, अभी कॉफ़ी बनकर है तैयार। अब मैं इसको आपको बाहर से कप को दिखाऊँगी, देखिए कितना अच्छा लगता है, यमी और टेस्टी। बच्चे देखते ही कहेंगे हम दूध की जगह कॉफ़ी ही पियेंगे, आप डेली बना दीजिए, उतनी ही ज़्यादा क्रीमी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। इसका भी मैं आपको एस्प्रेसो चेक करके दिखाती हूँ अभी स्पून से।
ये देखिए पूरा नीचे से आएगा बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए आपका जितना अच्छी फिटेगी कॉफी उतनी अच्छी लगेगी। लेकिन